जब ये बात सुनी कि जोगी नहीं मेरे संतान, नाथ जी आपने कहा कि माई हम नाथ बात के सच्चे, जा खुशी रहे तेरे बच्चे। अरे बाबा जी मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोले री माई हम तो मांगने खाने वाले संत थे, हम तो सबके किसी के कुछ भी ना हो उसके लिए ये कह के जाते कि भगवान तेरे अंधन के भंडार भरे, तेरे पुत्रों की लार लगी रहे। माई हमने तो संक्षेप में आपको आशीर्वाद दिया लेकिन हमें नहीं मालूम माता, तू तो रोने लगी। बोले हाँ बाबा। बोले एक बात सुन माई, मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ जो 16 कला संपूर्ण है माई तेरे नौलखा बाग में आए हुए हैं, और माता जब सूखा हुआ नौलखा बाग गुरु के आशीर्वाद से उनके धूना रमाने से हरा भरा हो गया माई, और बाबा ने धूने की भभूत जब कुओं में डलवाई तो सूखे कुओं में चला गया था। माई तू विश्वास कर, गुरु के चरणों में चली जा, जा भगवान तेरी कोख भी हरी भरी कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्यारी भगत जनों माई बाछल कहने लगी, रे बाबा मैं जाऊं तो सही लेकिन संत जी का कैसा स्वरूप है। बोले माई वैसे तो हम सब चेला एक ही हैं, एक ही वस्त्र धारण है गेरुआ हमारा, लेकिन गुरु का स्थान जो है वो ऊंचाई पे है और लंगोट भी लोहे का खिंचा हुआ बाबा जी का ये स्वरूप है, शिव अवतार है बाबा गुरु गोरखनाथ। माई बाबा का लंगोट भी लोहे का खिंचा हुआ है, ऐसा महायोगी संत माँ जो तेने दर्शन कर लिए, न जाने गुरु ने आशीर्वाद दे दिए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब प्यारे भगत जनों माई बाछल ने सोची कि किसी मेहमान को या किसी संत को मनाने के लिए जमाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे तो भोजन करने चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए, तब जाके कुछ मिल सकता है। कभी भी देख लो आप किसी भी बड़े आदमी के पास जाके देख लीजिए, अगर हम वहाँ आकड़ के बोलेंगे तो हमें पीट के और भगा दिया जाएगा गेट पे से ही, और जब आदिनी से कहेंगे कि साहब महाराज राजा साहब हैं, क्या बात है भैया, साहब मैं गरीब हूँ मेरे घर में बच्ची की शादी है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ 10-20 हज़ार रुपये दे के भेजेंगे। ऐसे ही संतों की बात है, संत तो राजा को भी राजा होते हैं, ये तो महाराजा होते हैं। संत जी के पास माई बाछल ने अच्छे वस्त्र धारण करे और ताज पोसी उतार दी। प्यारे भक्तों मुकुट ताज उतार के माता ने रख दिए, एक भगवा वाना करके और बढ़िया रथ में भोजन तैयार करा के रथवान को हुक्म दे दिया कि चलो जहां संत जी हैं वहां जमाएंगे चलके। अब किस प्रकार माई बाछल भोजन लेके जाती है और किन शब्दों के द्वारा, माता बाछल घर से चाली चल घर से चाली लेके भोजन की थाली आली गुरु की शरण। माता चल घर से चाली लेके भोजन की थाली आली गुरु की शरण। पहन कर
सोनू टैक कैसे।